वेलकम टू अन अकेडमी यूपीएससी हिंदी यूट्यूब चैनल. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. टुडे अभी तक कौन कौन आ चुका है? दिलीप, अरविंद, शिखा और हर्ष. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आप आज और मैं, आप दोबारा से सुबह 8 बजे हमारी जो रेगुलर क्लास होती है डेली करंट अफेयर्स के लिए, करंट अफेयर्स पढ़ना ही ज़रूरी है बेसिकली, और क्या किया जा सकता है. आज 12 जून के करंट अफेयर्स के लिए एक क्लास हम स्टार्ट करेंगे. ये इसमें कोई नई बात नहीं है, रोज ही हर बार यही होता है. मैं आशा करता हूं कि आप एनसीईआरटी की क्लासेस भी फॉलो कर रहे होंगे. एनसीईआरटीज भी उतनी ही जरूरी हैं जितनी, एक सेकंड, आजकल तकनीकी खराबी बहुत आ रही है. चलिए कोई बात नहीं. तो मैं कहां था? हाँ जी, तो कक्षा स्टार्ट करते हैं, कक्षा प्रारंभ करते हैं. मेरा नाम है अमित किलोर और हम यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं करंट अफेयर्स की क्लास के लिए. ठीक है, हर रोज 8 बजे हम ऐसा करते हैं, करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, बहुत बारीकी से उनका परीक्षण करते हैं, विश्लेषण करते हैं, ताकि प्रीलिम्स में आने वाला कोई भी सवाल हमसे छूटे ना. बिना किसी विलंब के एक बार मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो PDFs होते हैं ये हमारे अनअकैडमी के टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किए जाते हैं. सो यू शुड एक्चुअली ज्वाइन दी अनअकैडमी UPSC टेलीग्राम ग्रुप. और आप अगर गूगल पे अनअकैडमी टेलीग्राम ग्रुप भी डाल दोगे तो भी आपको लिंक मिल जाएगा. तो कोई ऐसी कोई खास कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, चिंता की बात नहीं है. आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसमें रेगुलर अपडेट और रेगुलर आपको पता रहता है कि किस जगह पे क्या चल रहा है. कोई नई अगर कोई लेक्चर लॉन्च हो रहा होता है तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन उस पर मिल जाती है. सो इट्स वेरी एडवाइजेबल टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप. उसके बाद अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं या जो लोग नए हमसे जुड़ रहे हैं, डेविल सिंह और शिवानी जी, आप सबका भी स्वागत है. मैं उनको बता दूं, जो अनअकैडमी ग्रुप में जो अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं वहां पर लाइव क्लासेस होती हैं, टेस्ट सीरीज दिए जाते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं. आई थिंक ये इसमें कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसको आप समझते नहीं हैं. जिस तरीके से YouTube पे लाइव क्लासेस चलती हैं उसी तरीके से अनअकैडमी जो ऐप है, एप्लीकेशन आप तुमने यूज़ की होगी, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए. जिसको भी नहीं मालूम है वो बेसिकली ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पे अनअकैडमी अगर टाइप करता है तो अनअकैडमी ऐप उसको मिल जाएगी. ठीक है, एक एडुकेटर ऐप से भी है. एजुकेटर वो ऐप नहीं डाउनलोड करनी है, वो आप लोगों के लिए नहीं है. अनअकैडमी लर्निंग ऐप, अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको मिल जाएगी, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए. उसके बाद वहाँ पे जैसे ही आप उसमें जाते हैं, प्लस का आप ऑप्शन है, इस प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप अपना गोल चूज़ कर लीजिए. अगर कोई और गोल भी आपके साथ है यूपीएससी के साथ, सपोज कीजिए आपने एक बैकअप प्लान में एसएससी का भी एग्जाम रखा हुआ है, एसएससी का भी आप चूज़ कर सकते हैं अलग से. जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा सब्सक्रिप्शन का. सब्सक्रिप्शन का तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, जैसे नेटफ्लिक्स सब्सक्राइब करते हो उसी तरीके से अनअकैडमी ऐप भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो. 1 मंथ के लिए कर लीजिए, 3 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, 12 और 24. हाँ, ये फायदा होता है कि जो एक्चुअली में यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो 1 महीने में तो कंप्लीट नहीं कर सकते, उसको 12 महीने से या 24 महीने का समय लगेगा. इसीलिए 12 से 24 महीने करने के लिए बहुत चीप भी पड़ जाता है. जो 1 मंथ का 8,000 रुपीज चार्जेस है वो अगर 24 मंथ के लिए ज्वाइन कर लेते हो, 2 साल का इमीडिएट पैकेज ले लेते हो, तो वो सिर्फ 2600 रुपये में हो जाता है. तो फायदा है इस बात का इकट्ठे, क्योंकि और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए ज़रूरी होता है छोटा, बार बार उसके बाद आपको ताकि दिमाग खर्च ना करना पड़े कि फिर से सब्सक्रिप्शन आ गई. मोर इम्पॉर्टेंटली, आप अगर ये मेरा कोड यूज़ करेंगे AVK10 आप यूज़ करिए, AVK10 मतलब अमित वी किलोड, हम AVK10, तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. यानी कि जो 64,000 रुपये का जो पैकेज है, 64,000 रुपये का जो 2 साल की प्लस की सब्सक्रिप्शन है, वो आपको सिर्फ 57,600 रुपये में मिल जाती है. उसमें से 6400 रुपये कट जाते हैं, तो 6400 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता है 57,600 रुपये में इस कोड के साथ. उसके बाद इसमें क्योंकि आप इस कोड को लेके ज्वाइन करते हैं तो मैं पर्सनली फिर आपके जो करियर प्रोग्रेस होता है, ये पूरी एग्जाम साइकिल है, उसके साथ मैं आपके साथ रहता हूँ, आपकी हेल्प करता हूँ. शशिकांत और नवीन, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. और भी जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, ये कोड है, इसकी फोटो खींच लो अपने स्मार्टफोन से अगर जरूरत पड़ती है तो, दोस्तों के साथ भी शेयर करना. बिना विलंब के कक्षा प्रारंभ करते हैं आज, क्या कहते हैं, जो हमारे करंट अफेयर्स हैं. तो पहले करंट अफेयर्स पे चलते हैं. ठीक है, पहला करंट अफेयर का संदर्भ है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से.
बहुत सिंपल चीज है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मतलब कि इरिगेशन से संबंधित एक परियोजना है, उसके बारे में बात करते हैं। तो क्या हुआ है न्यूज में, क्या आया भाई न्यूज में? ये आया है कि 4,000 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 4,000 करोड़ रुपए का वार्षिक आवंटन किया गया है 2020 से 2021 तक। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये फाइनेंशियल ईयर होता है, यानी 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक, जब इस तरीके से जो वर्ष लिखे होते हैं उनका मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर की तरफ। तो 4,000 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है पर ड्रॉप मोर क्रॉप कॉम्पोनेंट ऑफ कृषि सिंचाई योजना, मतलब कि कृषि सिंचाई योजना के कई सारे कंपोनेंट होते हैं, उसके एक कंपोनेंट है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है, कि एक प्रति बूंद अधिक फसल, सिंपल बात है। इस कंपोनेंट के तहत 4,000 करोड़ रुपए की आवंटन की गई है। इस न्यूज की वजह से अब हम पढ़ रहे हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आखिर है क्या। देखिए, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने यह अनाउंस किया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। साथ में गवर्नमेंट हैज ऑल्सो क्रिएटेड माइक्रो इरिगेशन फंड ऑफ 5,000 करोड़ रुपीज विद नाबार्ड, मतलब कि सरकार ने नाबार्ड के साथ भी 5,000 करोड़ रुपए का जो माइक्रो इरिगेशन होती है उसके लिए, उसको डेवलपमेंट के लिए, उसकी डेवलप करने के लिए एक और फंड बनाया है। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो मैं एक बार पहले आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं, तब उसके बाद हम आज की न्यूज पे आ जाएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर यानी कृषि मंत्रालय जो है उनकी इरिगेशन से संबंधित एक मेजर स्कीम है। आप ये समझ लीजिए कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है कृषि मंत्रालय की। हमारे जो देश है, भारत देश, बेसिकली मॉनसून, हमारे यहाँ पे जो फसल होती है या जो किसान होते हैं वो ज़्यादातर मानसून पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो हमारे जो देश की जो खेतों की जो जमीन है वो इस समय नहीं तो 40% के करीब, अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्ट ये फिगर नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली फिगर है कि 40% के करीब ही सिंचाई उनके पास इरिगेशन फैसिलिटी है, और प्राइमरली वरना जो बाकी जो एरिया है पूरा का पूरा वो मॉनसूनस पे डिपेंड करता है। तो फसल सिक्योरिटी के लिए और किसानों की आय बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सिंचाई योजना चलाई जाए ताकि हर खेत में पानी पहुंच सके। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 4 कंपोनेंट है, ठीक है, 4 तरीके से इसके अंदर 4 प्रोग्राम चलते हैं। आप ये समझ लीजिए कि एक प्रोजेक्ट है बड़ा और उस प्रोजेक्ट के 4 सब प्रोजेक्ट है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले है एक्सीलरेटेड इरीगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, एक्सीलरेटेड इरीगेशन बेनिफिट प्रोग्राम ये उसका कंपोनेंट का नाम है। दूसरा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और उसका कंपोनेंट का नाम है हर खेत को पानी, ठीक है, किसान के लिए हर खेत को पानी, हर खेत में पानी पहुंचाने के लिए स्कीम का नाम है हर खेत को पानी। फिर है पर ड्रॉप मोर क्रॉप अर्थात प्रति बूंद अधिक फसल, और उसके बाद वाटरशेड डेवलपमेंट में। तो टोटल 4 कंपोनेंट है। अब आपको अगर इसमें कोई समस्या आती है इनको याद करने में तो देखिए मैं आपको इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। AIBP एक्सीलरेटेड इरीगेशन बेनिफिट, ये ऐसे रैंडम नहीं बनाया गया, इसका पीछे लॉजिक था इन चारों कंपोनेंट के ऊपर, ठीक है। एक्सीलरेटेड इरीगेशन बेनिफिट प्रोग्राम के तहत मेजर और मीडियम इरीगेशन प्रोजेक्ट्स को लिया जाता है, ठीक है, एक हायरार्की डेवलप कर दी है मेजर एंड मीडियम, जो मीडियम होते हैं, जैसे सपोज कीजिए नदी से बड़ी वाली एक बहुत बड़ी नहर बनानी है तो वो एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम के तहत बनेगी, ठीक है। तो जो बड़ी सारी नदी है या किसी झील से पानी पहुंचाना है खेत की तरफ, तो सबसे पहले वो खेत की तरफ जो पानी होगा वो एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम के तहत बनेगा, ठीक है। सेकेंड, हर खेत को पानी, ये माइनर प्रोजेक्ट्स के लिए है, माइनर प्रोजेक्ट्स के लिए, यानी एक बड़ी नहर जा रही है, बड़ी नहर से अब खेतों में पानी पहुंचाने के लिए, हर खेत को पानी मतलब खेतों में पानी पहुंचाने के लिए जो हमें छोटी छोटी नहरें बनानी पड़ेंगी, छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे, वो आते हैं हर खेत को पानी प्रोजेक्ट के अंदर। तो सबसे पहले एक्सीलरेटेड इरीगेशन बेनिफिट प्रोग्राम मेजर एंड मीडियम इरीगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए, फिर हर खेत को पानी माइनर के लिए, ठीक है। और उसके बाद अब देखिए, फिर लॉजिकली स्पीकिंग पर ड्रॉप मोर क्रॉप अर्थात प्रति बूंद अधिक फसल माइक्रो के लिए है, यह है माइक्रो के लिए, कनेक्टेड है, मतलब रैंडमली ऐसा नहीं है कि 4 कंपोनेंट क्यों है, कनेक्टेड है। अब हायरार्की देखिए किस प्रकार से, तो जो नहर से एक बड़ी नहर, नदी से एक बड़ी नहर निकाली गई है वो आ जाएगी मेजर और या मीडियम मान लीजिए उसको, वो एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम के तहत बनेगी। ये वाला ये हो गया एक्सीलरेटेड, फर्स्ट पे हो गया, इसको फर्स्ट समझ लेते हैं। उसके बाद जब उस नहर से खेतों तक जो नहर जाएगी, खेतों तक जो पानी पहुंचाने की सुविधा कर दी जाएगी उसको हर खेत पानी, वो होगा माइनर प्रोजेक्ट, उसको 2 मान लेते हैं माइनर प्रोजेक्ट। अब खेतों में किस प्रकार से पानी की जो यूटिलाइजेशन है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए,
उसको कहते हैं पर ड्रॉप मोर क्रॉप, अर्थात ऐसे प्रोजेक्ट जो कि माइक्रो इरिगेशन को मदद करते हैं, ठीक है, खेतों में पानी भी अच्छी तरह से पहुंचाने की कई सारी टेक्नोलॉजीज हैं। तो जैसे स्प्रिंकलर, आपने कभी पार्क में स्प्रिंकलर देखे होंगे, तो इस प्रकार से जो ऐसे ऐसे कुछ प्रोजेक्ट है उसको माइक्रो प्रोजेक्ट कहते हैं। तो ये तीन स्कीम इस प्रकार से इरिगेशन के अलग अलग लेवल को, अलग अलग एस्पेक्ट को हैंडल करती है। और उसके बाद साइड में एक और चौथी स्कीम है जो कि वाटरशेड डेवलपमेंट, जो कि मच मोर होलिस्टिक होती है इरिगेशन के लिए, वो वाटरशेड डेवलपमेंट है। अगर किसी को नहीं पता है कि वाटरशेड क्या होता है तो चिंता मत करो, मैं अभी बताऊंगा, अगली स्लाइड में आपको वाटरशेड समझा देता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन भूगोल से संबंधित बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। हमारे देश में जो पानी की जो समस्या है उसके लिए जानना ज़रूरी है कि वाटरशेड होता क्या है। अब आपको समझ में आ जाएगा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इसके तहत, इस कंपोनेंट के तहत 4,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। अब हो गया आसानी से, क्योंकि ये तीसरा कंपोनेंट है। अब पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स को हैंडल करता है, इट्स अ माइक्रो इरिगेशन फंड। दिस फंड इज टू फैसिलिटेट द स्टेट्स इन मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज फॉर द एक्सपेंशन ऑफ माइक्रो इरिगेशन। तो अब आप इसको समझ सकते हैं कि जो ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई होती है, देखिए यहां पे दिख रहा है, ड्रिप और स्प्रिंकलर जो सिंचाई टेक्नोलॉजीज होती है या और दूसरी कोई माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजीज है, वो उसको इस प्रोग्राम के तहत, इस ये जो एलोकेशन हुई है इसके तहत उनको डेवलप किया जाएगा, ठीक है। ड्रिप माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली पानी बचाने में भी मदद करती है, उर्वरक जो फर्टिलाइजर होता है उसका भी काम बचाती है, लेबर एक्सपेंसेस और कई प्रकार के इनपुट कॉस्ट बता देती है। जहां पर पानी की कमी होती है ना, वहां पर ड्रिप माइक्रो इरिगेशन, आप इसको याद रखिए ये वर्ड को, ड्रिप माइक्रो इरिगेशन वहां पर बहुत मदद करती है, ठीक है। तो समझ गए, AIBP मेजर और मीडियम के लिए, हर खेत को पानी माइनर के लिए, और पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो के लिए। और इस आज हम बात कर रहे हैं पर ड्रॉप मोर क्रॉप के, जिसमें माइक्रो इरिगेशन, जो कि माइक्रो इरिगेशन होती है ड्रिप और स्प्रिंकलर के द्वारा जो सिंचाई प्रणाली होती है, तो ये ड्रिप और स्प्रिंकलर के द्वारा जो सिंचाई प्रणाली है उसके तहत एक आवंटन हुआ है। अब इसका जो चौथा कॉम्पोनेंट है वाटरशेड, एक बार मैं उसके बारे में बता देता हूँ, वाटरशेड होता क्या है अगर किसी ने नहीं पता है, आखिर वाटरशेड है क्या, ठीक है। वाटरशेड, बेसिन, कैचमेंट, ये सब आप वर्ड सुनते हैं ज्योग्राफी में, बट कई बार कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या होता है क्या नहीं होता। अच्छा, अब इस फिगर को देखने की कोशिश कीजिए, ये एक ना पूरा का पूरा लैंडफॉर्म बनाने की कोशिश की गई है, ठीक, लैंडफॉर्म बनाने की कोशिश की गई है। ये पहाड़ है और सब कुछ, जैसे इधर जहाँ पे भी बारिश वारिश होती है तो जो पानी है इस तरीके से बहता है हर तरीके से। ये देखिए जो लाल एरो आप देख रहे हैं ना, ये पानी बहने की तरफ है, पानी बहने का डायरेक्शन है, पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, वो डायरेक्शन उसके पास नेचुरल डायरेक्शन है, तो कहीं ना कहीं जाके लास्ट में जाके पानी एक जगह बीच में सेंटर पे मिल जाता है। तो जो रिवर्स होती है ना, वो इसी प्रकार से बनती है। जो आप अगर देखेंगे जो नदियां हैं वो बनती कैसे हैं, वो किसी भी वाटरशेड के सबसे बीच में, नदी जो होती है ना, एक वाटरशेड जो एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया वाटरशेड है, ठीक है। जितना भी पानी यहाँ पर पड़ रहा है पूरे के पूरे एरिया में, वो नीचे बह के एक नदी के पास आ जाता है। तो जो भी नदियाँ होती हैं वो उस वाटरशेड एरिया के सबसे बीच में होती है, सेंटर में होती है। उस वाटरशेड एरिया में जो जो पानी गिरता है वो सारा का सारा किसी भी प्रकार से नदी की तरफ पहुंच जाता है। वाटरशेड भूमि का वो क्षेत्र है जो अपने उसमें जितना भी पानी गिरता है वो लास्ट में जाके उनके उसके ऊपर गिर जाता है। अब इसमें कुछ चीजें समझिए, देखिए, टू और मोर कैचमेंट फॉर्म सब वाटरशेड। अगर इसको छोटे छोटे उस एरियाज में देखा जाए तो इनको कैचमेंट कहा जाता है, ठीक है, छोटे छोटे इनको कैचमेंट कहा जाएगा। जब ये कई सारे मिल जाते हैं, ऐसे कैचमेंट जो एरियाज हैं इनको कैचमेंट एरिया कहा जाएगा, थोड़े थोड़े एरिया हैं, ग्रुप ऑफ सब वाटरशेड। इन सब को मिला के जब 5, 6, 10, 20, 40, 50 हो जाते हैं, इनको वाटरशेड कहते हैं। ये पूरा का पूरा अगर होगा तो वाटरशेड हो जाएगा, पूरा का पूरा वाटरशेड। और इस वाटरशेड के ऐसे कई वाटरशेड बना देते हैं तो उसे एक नदी का बेसिन कहा जाता है, बड़ी नदी का। कल, अगर कल की क्लास याद हो तो हम गोदावरी और कृष्णा के बेसिन के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने बताया था कि गोदावरी जो है वो जिन जिन राज्यों से बहती है उसके बाहर भी उसका बेसिन हो सकता है, यानी कि जो पानी जो उसकी तरफ बह के आ रहा है सारा का सारा, वो और भी दूसरे राज्यों से हो सकता है, ठीक है। ये एक बार फिर दोबारा से सेम ही फिगर है बट थोड़ी सी दूसरे तरीके से है। ये जो डॉट डॉट बनाए गए हैं, इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी पानी इस डॉट के इस साइड में पड़ रहा है वो सारा का सारा पानी किसी भी प्रकार से बह के एक सेंट्रल एरिया में पहुंच जाता है, ठीक है। हाँ, जो इसकी दूसरी तरफ पड़ेगा वो दूसरे वाटरशेड की तरफ चला जाएगा।
एक सेंट्रल पॉइंट तो होगा ना ऐसा, जो कि पानी यहाँ पे गिरेगा और एक पानी बाकी पानी यहाँ पे चला जाएगा। सपोज कीजिए आप अम्ब्रेला समझ लीजिए, अगर अम्ब्रेला के बीच में ऊपर एक छाते के ऊपर पानी पड़ता है तो आधा पानी राइट में जाएगा आधा पानी लेफ्ट में जाएगा, तो ये वाटरशेड डिवाइड होता है जहां पे इस प्रकार से पानी दो तरफ बट जाता है। ठीक है, ये जो भी प्रेसिपिटेशन रेन हो या स्नो हो ये सारी होती है किसी भी तरीके से लास्ट में पिघल के ग्राउंड वाटर के तहत या जो ट्रिब्यूटरीज हैं छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं उनके तहत एक सेंटर एरिया में ही जाके मिलेंगी। वो सेंटर एरिया रिवर कहलाता है किसी भी प्रकार से, और ऐसे कई सारे वाटरशेड से ऐसे कई सारे वाटरशेड जब होते हैं उसको बेसिकली उसका रिवर का बेसिन कह दिया जाता है। ये सारा का सारा पानी लास्ट में जाके बड़ी वाटर बॉडी किसी झील में या समुद्र में मिल जाएगा। ये आप जानते हैं, ये वाटरशेड को समझ लीजिए। वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक मेजर पार्ट है, तो उसके उसको हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये मेंस में सीधा आ सकता है, मुख्य परीक्षा में सीधा पूछा जा सकता है वाटरशेड डेवलपमेंट, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, दीपशिका इज लेट। दीपशिका लेट होने में कोई समस्या की बात नहीं है, आप कभी कभी, जरूरी नहीं है कि हमेशा टाइम पे पहुंचा जाए, इसमें सॉरी की कोई भी बात नहीं है, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लेट आते हैं तो आ जाइए और उसके बाद फिर बैठ जाए, मतलब क्या कहते हैं उस समय क्लास स्टार्ट कर दीजिए। देर आए दुरुस्त आए कहते हैं ना, जैसे देर आए दुरुस्त आए, कोई समस्या नहीं है लेट आने में, बट हाँ आना ज़रूरी है, ये ज़रूरी है भाई। ऐसा नहीं है कि लेट नहीं, लेट आए तो आए ही नहीं, आना बहुत ज़रूरी होता है, काम नहीं रुकना चाहिए। चलिए बात करते हैं, तो एक बार देख लीजिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत माइक्रो इरिगेशन से संबंधित आवंटन हुए हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई जो योजना है उसके जो चार कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट मेजर और मीडियम प्रोजेक्ट्स के इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए होता है, दूसरा हर खेत को पानी माइनर प्रोजेक्ट्स के लिए होता है, तीसरा पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन के लिए होता है, और चौथा एक वाटरशेड डेवलपमेंट अर्थात एक काफी होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो पूरे के पूरे वाटरशेड की डेवलपमेंट करता है। वाटरशेड अगर आप देख के इसमें से कुछ कुछ समझते हैं तो जरा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये वर्ड्स आप जरूर देख लीजिए। टू और मोर कैचमेंट्स फॉर्म सब वाटरशेड, ए ग्रुप ऑफ सब वाटरशेड फॉर्म ए वाटरशेड, ए ग्रुप ऑफ वाटरशेड्स फॉर्म ए बेसिन। हायरार्की है, सिंपल हायरार्की। ठीक है, आप क्या कहते हैं, एक कैचमेंट है, जब ऐसे 10 कैचमेंट लगा देंगे तो उसको सब वाटरशेड कह देंगे, सब वाटरशेड 10 कैचमेंट। जब सब वाटरशेड 5 मिला दोगे तो एक वाटरशेड बन जाएगा, जब ऐसे 5 और वाटरशेड मिला दोगे तो बेसिन बन जाएगा रिवर का, हायरार्की पे। तो बेसिन सबसे बड़ा है और कैचमेंट सबसे एरिया है, कैचमेंट छोटा एरिया होता है और बेसिन सबसे बड़ा एरिया होता है। बेसिन इतना बड़ा एरिया होता है कि वो कई स्टेट्स काउंट हो जाती हैं उसके अंदर, पूरी की पूरी स्टेट एक बेसिन एरिया हो सकती है। ठीक है, जैसे यूपी का जो पूरा का पूरा, उत्तर प्रदेश का पूरा एरिया है, बिहार का पूरा जो एरिया है वो गंगा के बेसिन में आता है। ठीक है, तो बेसिन बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया होता है उसको काउंट करने लगेंगे। कैचमेंट और वाटरशेड कुछ उससे छोटे होते हैं, ऑब्वियसली हायरार्की आपने ये समझ ही ली होगी। ठीक है, चलिए अगली वाली न्यूज पे आते हैं, जीएम क्रॉप्स के बारे में। अच्छा, जीएम क्रॉप्स के बारे में जानता कौन है, के आर रीटा आपकी पहली क्लास है, वेलकम टू दी करंट अफेयर्स क्लास। मैं आपसे पूछता हूं कि आप जीएम क्रॉप्स के बारे में जानते हैं, कुछ बता सकते हैं मुझे जीएम क्रॉप्स के बारे में। जब तक आपका जवाब आएगा मैं बढ़ता हूं, मैं यकीन रखता हूं कुछ तो इंफॉर्मेशन है। देखिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जीएम मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जेनेटिकली लिखने में काफी समस्या आ रही है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स अर्थात कि जो ऐसी फसल जिसको जेनेट यानी जीन्स जो है जीन्स के थ्रू मॉडिफाई कर दिया गया है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है जीएम क्रॉप्स। इसके बारे में बात करते हैं, शेटकारी संगठन, शेटकारी संगठन एक फार्मर्स यूनियन है, किसानों की एक यूनियन है। ठीक है, किसान संघ को उसका जो नाम है उसका नाम है शेटकारी संगठन। मुद्दा क्या है मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। हमारे देश में जीएम क्रॉप्स, सारी की सारी जीएम क्रॉप्स अलाउड नहीं है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स अलाउड नहीं है, नॉर्मल क्रॉप्स ही हम इस समय बोते हैं। ठीक है, जो सोइंग है वो नॉर्मल क्रॉप्स की होती है। शेटकारी संगठन ने प्रोटेस्ट किया है, उन्होंने कहा कि इस बार जो खरीफ का जब सीजन होगा तो फार्मर जो किसान हैं जो भी शेटकारी संगठन से संबंध रखते हैं वो सारे के सारे इस बार जीएम क्रॉप्स को बोएंगे।
मतलब कि ये सपोर्ट में है जीएम क्रॉप्स के, दे वांट दैट गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट जीएम क्रॉप्स एंड गिव परमिशन, किसानों को परमिशन मिल जानी चाहिए इस बात के लिए कि जीएम क्रॉप्स वो बो सके। तो उसके अगेंस्ट अभी अलाउड नहीं है, लॉ होती है उससे जेल हो जाती है अगर कोई जीएम क्रॉप्स जो कि अनरेगुलेटेड जीएम क्रॉप्स होती हैं अगर उनको बोते हैं तो जेल हो सकती है, परंतु शेतकारी संगठन का कहना है कि हम तो करेंगे भाई, तुम मत मानो हम करेंगे, हम जेल जाएंगे इस काम के लिए अगर तुम नहीं मानोगे तो। अब समझिए तो खरीफ सीजन जो आ रहा है उसमें उन्होंने कहा है कि वहां पर हम सारे के सारे मिलके, वो पूरे पूरे शेतकारी संगठन काफी बड़ा है, बहुत सारे किसान उससे संबंध रखते हैं, महाराष्ट्र में है ये, तो जीएम सीड्स फॉर मेज, सोयाबीन, मस्टर्ड, ब्रिंजल एंड हर्बिसाइड टॉलरेंट कॉटन, ठीक है, आते हैं इसके बारे में। आप याद रखिए कि जो ये पांचों जो फसल है इसका मतलब ये खरीफ की फसल है, क्योंकि हम बात ही इसके बारे में कर रहे हैं, करंट खरीफ सीजन, और इनको बोनेंगे तो इनके जीएम सीड्स जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स हैं, ऑल दो दे आर नॉट अप्रूव्ड, उन्हें मंजूरी नहीं मिली हुई है, परंतु हम बोएंगे जरूर, ऐसा शेतकारी संगठन का कहना है। इन्होंने अपने प्लान घोषित किए हैं गवर्नमेंट को कि ये होने वाला है। फार्मर्स इन महाराष्ट्र विल अगेन ब्रेक द लॉ बाय प्लांटिंग अनअप्रूव्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स ऑफ कॉटन, मेज, राइस, मस्टर्ड, सोयाबीन एंड ब्रिंजल, दे आर विलिंग टू गो टू जेल फॉर सेफ गार्डिंग देयर टेक्नोलॉजी फ्रीडम, ऐसा शेतकारी संगठन ने बताया है। अजय भारद्वाज और निशा, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी वन, दे आर विलिंग टू गो टू जेल, भाई कमेंट्स करो, लाइक करो, कुछ तो बताओ, पता तो चले मुझे एंगेज है स्टूडेंट, बिना कमेंट्स के कैसे पता चलेगा। तो जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो हैं, क्योंकि हमारे देश में इस समय अवेलेबल नहीं है, अलाउड नहीं है, शेतकारी संगठन किसानों का एक संघ है जिसने इस समय अलाउ अनाउंस किया है, उन्होंने अनाउंस किया है इस संबंध में कि वो इस बार आंदोलन के तहत जीएम क्रॉप्स को बोएंगे, जीएम बीजों की ही इस बार सामूहिक बुआई करेंगे, यूज करेंगे, चाहे उनको जेल जाना पड़े इस चीज के लिए या नहीं। थोड़ा इसको और बारीकी से समझ लेते हैं कि आखिर मुद्दा क्या है, जीएम क्रॉप्स होती क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। देखिए, पारंपरिक पौधे जो होते हैं उसमें क्रॉस स्पीशीज ऑफ द सेम जीनस होती है विद द डिजायर्ड ट्रेट्स ऑफ बोथ पेरेंट्स। जेनेटिकली इंजीनियरिंग एम्स टू ट्रांसेंड द जीनस बैरियर बाय इंट्रोड्यूसिंग एन एलियन जीन, द एलियन जीन कुड बी फ्रॉम अ प्लांट एन एनिमल और इवन अ सोइल बैक्टीरिया। देखिए, एक सिंपल तरीका होता है, हम फसल को बेहतर बनाने के लिए, जो प्लांट की जो ब्रीड होती है ना उसको बेहतर बनाने के लिए उसको डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज से क्रॉस कराते हैं, ठीक है। ये आपने ऐसा सिमिलर चीज अगर आपने देखा होगा कि डॉग्स जो होते हैं उनके अंदर भी इंटर ब्रीड जो ब्रीडिंग होती है उसमें अलग अलग उससे ब्रीडिंग करा सकते हैं वो, मतलब डॉग की जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड होती है, जैसे सपोज कीजिए आप एक रॉटवाइलर डॉग है वो रॉटवाइलर ब्रीड है, और उसके बाद एक डॉबरमैन ब्रीड है, अगर इन दोनों को ब्रीड्स को साथ मिला देते हैं तो एक रॉटरमैन ब्रीड बन जाती है। तो इसी तरीके से क्रॉस जो करते हैं प्रजनन के लिए, इसको कन्वेंशनली ऐसा होता है, पारंपरिक तरीकों से इसको ऐसे किया जाता है, परंतु जेनेटिक इंजीनियरिंग एक प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है कि हमारी मर्जी का कोई स्पेसिफिक जीन, चाहे वो प्लांट से हो, एनिमल से हो या बैक्टीरिया से हो, उसको सीधा क्रॉप के अंदर डालते हैं। तो सपोज कीजिए, हमें एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लीजिए, उदाहरण के तौर पर हमें एक फसल चाहिए जो कि गेहूं की है, और हमें ऐसी फसल चाहिए कि वो उस पर ब्लाइट की जो बीमारी है वो लगे ना। ऐसा जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा ऐसी फसल, ऐसा बीज बनाया जाएगा, उसके डीएनए में इस प्रकार से कुछ जेनेटिक मॉडिफिकेशन की जाएगी कि उसके अंदर कुछ टॉक्सिक प्रोटीन डेवलप होने लग जाए, वो टॉक्सिक प्रोटीन जब डेवलप होगा तो उसको ब्लाइट नहीं हो पाएगा। तो जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स इस प्रकार से हमारी चॉइस से, वो जो भी मर्जी का जीन होता है हम उस क्रॉप में डाल सकते हैं, तो उसके जो ट्रेट होते हैं, जो भी बेसिकली क्रॉप के जो ट्रेट होते हैं वो हमारी पसंद के हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल दे दीजिए, बीटी कॉटन, हमारे देश में सिर्फ एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप अलाउड है, ओनली वन, जिसको कहते हैं बीटी कॉटन, याद रखिए इस बात को, ये फैक्ट है, याद रखिए कि बीटी कॉटन पूरे के पूरे देश में सिर्फ एक ही जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप आपको अलाउड है कि आप उसको लीगली आप उसको बो सकते हैं, जो कि बीटी कॉटन है। बीटी का जो ये वर्ड है, बीटी का मतलब होता है बैसिलस थुरिंजियनिसिस, ये एक बैक्टीरिया का, सॉइल में पाए जाने वाले एक बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। तो इसीलिए इस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को कहते हैं बीटी कॉटन। हर हर महादेव माहिर सिंह, बीटी कॉटन,
बीटी मतलब बैसिलस थुरिंजेंसिस। क्यों? क्योंकि कॉटन जो कॉटन का जो बीज था, कॉटन की जो फसल थी, कपास जो होती है, उसके डीएनए में इन्होंने उसको काट के जेनेटिकली मॉडिफाई करके बैसिलस थुरिंजेनेसिस का एक जीन डाल दिया। अब होता क्या है कि बीसी जो क्या कहते हैं जो ये बीसी बीटी कॉटन जो ये फसल होती है, ये फसल इस प्रकार से एक अपने अंदर टॉक्सिक प्रोटीन डेवलप कर लेती है कि एक पेस्ट जो होता है जिसको पिंक वॉर्म पेस्ट कहते हैं, वो मर जाता है और इसको बीमारी नहीं फैला पाता। सिंपल बात है, इंडिया में सिर्फ यही अलाउड है और कोई भी अलाउड नहीं है। दूसरा देखते हैं ये प्रोसेस क्या है। इन इंडिया द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ठीक है, ये है जो कि जीएम क्रॉप्स के कमर्शियल रिलीज को हैंडल करती है। जीईएसी जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति है, यह शीर्ष निकाय है जो कि जीएम फसलों की वाणिज्यिक रिहाई की अनुमति देता है, मतलब कि परमिशन अगर चाहिए तो वही करता है। 2002 में जीईएसी इसी एपेक्स बॉडी ने अलाउ किया था बीटी कॉटन के कमर्शियल रिलीज को। और अब हमारे देश में 95% जो भी कपास होता है, कपास का 95% बीटी कॉटन के द्वारा ही, बीटी कॉटन बीज ही यूज होता है, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन ही होता है। आप एक बात देखिए, इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कहने से जो क्रॉप होती है उस पर कोई भी फर्क नहीं होता है। मतलब कपास जो है ना, वो पहले भी उसी प्रकार की कपास थी और अभी जो बीटी कॉटन से होगी वो कपास होगी, इन दोनों कॉटन में कोई डिफरेंस नहीं होगा। बस ये है कि बीज को बोते वक्त बीज के अंदर एक ऐसा ट्रेट जो कि हमें चाहिए था, जैसे कई बार कुछ पेस्ट आ जाते हैं तो वो पेस्ट से लड़ने के लिए या कुछ ऐसी बीमारियों से बचने के लिए ऐसा जो ट्रेट है, जैसे कुछ टॉक्सिक प्रोटीन या उनको अटैक ना कर पाए, ऐसे कुछ टॉक्सिक प्रोटीन उस जीन्स के द्वारा डेवलप किए जाते हैं। बट कपास, अगर गेहूं या ब्रिंजल या जैसे बैंगन है, बैंगन की जो अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है और उससे पहले वाली जो क्रॉप थी जो जीएम नहीं है, उन दोनों के बीच में कोई फर्क नहीं होगा, फूड सेम ही होगा, ठीक है। Use of unapproved GM variant can attract a jail term of 5 years and fine of ₹1 lakh under the Environmental Protection Act 1989. अब आप समझे बात में कि शेटकारी संगठन कह रहा है कि हम GM crops को उगाएंगे सबके सब मिलके, लेकिन कोई भी जो GM variant वो यूज कर रहे हैं वो अनअप्रूव्ड है, अप्रूव नहीं किया गया है। अप्रूव किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी से। इसने आज तक सिर्फ एक ही क्रॉप को अप्रूव किया है जो कि कपास है, बीटी कॉटन। अब ये कर रहे हैं कि हम तो और करेंगे तो उसमें 5 साल की जेल हो सकती है और 1 साल की ₹1 लाख का जुर्माना हो सकता है एनवायरमेंटल एक्ट के तहत। लेकिन इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि दे आर विलिंग टू गो टू जेल फॉर सेफ गार्डिंग देयर टेक्नोलॉजी फ्रीडम, मतलब जेल चले जाएंगे। बीटी ब्रिंजल बैन है इंडिया में, बिल्कुल सही कहा निशा, बीटी ब्रिंजल बैन है, बट उसके बावजूद भी कई जगह पे उगा देते हैं। हरियाणा में एक बार क्या हुआ कि इन्होंने, क्योंकि आसान रहता है ये, बहुत हेल्प कर देते हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होते हैं, इनपुट कॉस्ट कम कर देते हैं, पेस्टिसाइड्स की कॉस्ट कम कर देते हैं, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कहीं ना कहीं पे, कई बार किसान भाई लॉ बनाया है लेकिन लॉ को तोड़ भी तो सकते हैं लोग, तो लॉ तोड़ देते हैं। और ब्रिंजल जो है, कई बार केस आए हैं कि हरियाणा में बीटी ब्रिंजल को उगा दिया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैंगन बना दिए, कोई मुद्दा नहीं हैंडल किया। तो ये मुद्दा है, समझ लीजिए, आपको इसमें कोई समस्या नहीं है, कॉम्प्लेक्स बात है ही नहीं, माइनर बात है, ठीक है। अब क्या होता है इसमें आगे देखा जाएगा। जीएम क्रॉप्स के ऊपर बहुत बड़ा डिबेट है। देखिए, जीएम क्रॉप्स जो होती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, इसके लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होंगे, ये स्टडी पूरी नहीं हो पाई है। उसी की वजह से जो साइंटिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो कहते हैं कि जीएम क्रॉप्स को अभी इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट एनवायरनमेंट पे क्या हो सकते हैं। क्या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कुछ इतनी ज़्यादा पावरफुल हो कि पता चले कि वो फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दे, वो जीन कहीं पे वाइल्ड के अंदर इंट्रोड्यूस ना हो जाए, तो उसके कॉन्सिक्वेंसिस और उसके जो रिपल इफेक्ट जो होता है वो किसी को पता नहीं है। तो इस समय एनवायरमेंटल के डर के मारे इनको अप्रूवल नहीं मिलता है। शेटकारी संगठन का कहना है कि एक किसान को टेक्नोलॉजी की फ्रीडम होनी चाहिए, प्रौद्योगिकी की स्वतंत्रता किसान का हक है, हमें अलाउ कीजिए टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना। और क्योंकि ये सस्ता भी पड़ रहा है, इसमें कम मेहनत पड़ रही है, इनपुट कॉस्ट घट रहे हैं, पेस्टिसाइड की कॉस्ट घट रही है, तो ये और इसके साथ जाना चाहते हैं। इसकी आगे की जो डेवलपमेंट होगी हम उसके बारे में बात करेंगे। प्रीलिम्स में आपसे जीएम क्रॉप से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन आ चुका है। एक बार तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछ दिया था कि बीटी का मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन था शायद 2013 या 2014 के प्रीलिम्स की बात करें तो, उसमें यूपीएससी प्रीलिम्स में
डायरेक्ट क्वेश्चन था कि बीटी कॉटन में बीटी का मतलब क्या होता है। बीटी का मतलब बैसिलस थुरिंजिनेसिस, जो कि एक बैक्टीरिया का नाम है जो कि मिट्टी में पाया जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये ऐसे मजाक में नहीं बताया मैंने आपको। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 पे। हर रोज कोई ना कोई एक इंडेक्स आजकल रेगुलरली आ रहा है। कल एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई थी, आज एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है। अगर आपने आज सुबह का अखबार देखा है तो आज भारत जो भारतीय खुद हम अपनी जो यूनिवर्सिटीज को रैंक करते हैं एक वो इंडेक्स भी आज आ गया है, तो उसको भी पढ़ते हैं आगे आएंगे, कोई बात नहीं। इसके बारे में बता देता हूं, तो येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स लगाते हैं, ठीक है। ये दो साल में एक बार आता है, ठीक है, दो साल में एक बार, यानी कि 2020 में आ गया तो इसका मतलब पहले 2018 में आया होगा, कोई डाउट नहीं। दो साल में एक बार आता है। ऑब्वियसली आप इसमें उद्देश्य अगर आप देखेंगे एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स का, आखिर उद्देश्य क्या हो सकता है भाई? एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, एक देश ने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में किस किस प्रकार की परफॉर्मेंस की, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। 180 कंट्री को 32 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के तहत एनवायरमेंटल हेल्थ और इकोसिस्टम के अंडर ये एनालाइज करता है, विश्लेषण करता है और उसके बाद उसको रैंकिंग दे देता है, ठीक है। पहले 2002 में आया था, दो साल में आता है ये, अब ये बात ध्यान रखिएगा। इट एम्स टू मीट द एनवायरमेंटल गोल्स सेट इन यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कुछ गोल्स थे जो लिस्ट थे, 8 गोल थे जो कि उन्होंने यूनाइटेड नेशंस ने मिल के तैयार किए थे, विश्व के सामने रखे गए थे, सारे देशों के सामने, कि वो हमें डेवलप करने थे। उनकी जो टारगेट डेट थी 2015 थी, ठीक है। 2015 के बाद अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG कहा जाता है, क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमारे सामने रखे गए हैं। ये ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ज़्यादा टारगेट है, इसके अंदर 17 के करीब गोल हैं जिसके अंदर 180 के करीब टारगेट है, अलग अलग मतलब वो SDG है। इसकी जो डेडलाइन है वो 2030 है। अभी हमें मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बारे में जानना है, उसको पढ़ना नहीं है क्योंकि अब उस पर क्वेश्चन नहीं आ सकता है। हाँ, SDG पे डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनता है, MDG पे आया था 2013 या 14 के मेंस में, MDG पे क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले मतलब जो 5 साल थे जब खत्म होने को आया, तो किस प्रकार से भारत ने परफॉर्मेंस दी थी, तो ये क्वेश्चन आए थे। निशा यादव कह रही है कि परफॉर्मेंस इंडेक्स में, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग बहुत ही बेकार है। भाई इंडिया की रैंकिंग है 168, 168, और ये भी याद रखो 180 देश थे, 180 देशों में इंडिया की रैंकिंग 168 है। जो पाकिस्तान भी हमसे आगे है, नेपाल भी हमसे आगे है, बांग्लादेश भी, श्रीलंका भी हमसे सब आगे हैं। अगर साउथ एशिया में देखोगे, सिर्फ अफगानिस्तान को छोड़ के, अफगानिस्तान के अलावा बाकी सारे के सारे जो देश हैं एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस में भारत से आगे हैं, ठीक है। देखिए प्रॉब्लम, अच्छा इसमें यह मत सोचिए कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, मुद्दा क्या है, इनके जो इंडिकेटर हैं 32 परफॉर्मेंस इंडिकेटर हैं, इंडिया का जो कार्बन, अगर हम कार्बन इंडेक्स देखेंगे कि कितना कार्बन हम एक्चुअली में एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं, तो क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा है, हमारी पॉपुलेशन ही ऑलमोस्ट डेढ़ बिलियन के पास, 135 करोड़ के करीब मान के चलिए, 135 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है, तो जो हमारा जो कार्बन पर कैपिटा कार्बन होता है वो कम है, बट परंतु एज ए कंट्री जो कार्बन एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा आता है। मतलब जैसे जो नेपाल है या भूटान है, वो उन कंट्रीज़ की पॉपुलेशन कम होने के कारण उनका परफॉर्मेंस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वो जो कार्बन का कंटेंट है वो इतना यूज़ ही नहीं कर पाते हैं। हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से भी नुकसान हो रहा है। हाँ, दो वैसे कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि हम 168 रैंक पे हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में। एक सांत्वना की बात यह है कि पिछले साल था 170, 180 में से 177 नंबर पे थे, 177 पे, अब 168 है। दुख की बात है ये भी, इसमें भी कोई खुश तो हो नहीं सकते हैं, कोई बात नहीं, जानने योग्य बात है, याद रखिएगा इंप्रूव होगी, चिंता की बात। अगर एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस चेक किया जाए, जब महामारी के बीच में भाई 2 महीने के अंदर अंदर कोई प्रोडक्शन हुई नहीं है, एनवायरमेंटल एकदम साफ हो गया, जलंधर से हिमालय दिखने लग गए हैं, तो इस समय एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस अगर भारत का हो जाता तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी रैंकिंग आ सकती थी हमारी। चलिए अगली बात पे आते हैं, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के बारे में, ठीक है। ये एनवायरमेंटल इंडेक्स के बारे में खत्म हो गया, ICMR के बारे में बात करते हैं। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, आपने डेफिनेटली इसका नाम सुना है, जब से कोरोना हुआ है, जब से कोरोना का लॉकडाउन हुआ है, तब से ICMR हर रोज फ्रंट पेज पे 2-3 दिन में आ जाता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो इन्होंने एक सर्वे कराया COVID-19 के स्प्रेड पे, इन्होंने बोला है कि इस समय गवर्नमेंट ने बताया है कि कम्युनिटी स्प्रेड इंडिया में नहीं हुआ, कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ। कम्युनिटी स्प्रेड होता क्या है वैसे आपको पता है? कोरोना
एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है, औरत से भी फैल सकता है, एक औरत से दूसरे औरत में भी फैल सकता है, एक आदमी से औरत में भी फैल सकता है, ठीक है। तो मजाक की बात छोड़े तो एक इंसान से दूसरे इंसान की तरफ इंसान में फैलता है, लेकिन जब तक कोरोना को ट्रेस किया जा सकता है कि किसी को कोरोना हुआ तो ऐसे किस आदमी से मिला था जिसको कोरोना था, तो उसको कहते हैं कम्युनिटी फेज से पहले। कम्युनिटी फेज में आप ट्रेस नहीं कर पाते हैं कि किस आदमी को कोरोना कहां से हुआ, उसको कहते हैं कम्युनिटी ट्रांसमिशन। तो ICMR ने असर्ट किया है कि कंट्री इस समय कम्युनिटी ट्रांसमिशन फेज में नहीं है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन फेज में एक्सप्लोजिव नंबर बढ़ जाएंगे एकदम, जब पता ही नहीं चल पाएगा कि किसको कोरोना कहां से होने लग रहा है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने लग जाता है तो एक्सप्लोजन हो जाएगा नंबर्स का, बहुत तेजी से नंबर बढ़ेंगे। अभी भी हमारे जो कोरोना के केस के नंबर है पर डे के हिसाब से 10,000 से बढ़ रहे हैं, जो क्या नाम है उन्होंने भी तेजी पकड़ लिया। इन्होंने जो सर्वे किया उसमें इन्होंने बताया कि जो सबसे ज़्यादा रिस्क है COVID-19 का वो है अर्बन स्लम्स में। अर्बन स्लम्स सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है COVID-19 के स्प्रेड के लिए, उसके बाद जो अर्बन सेटलमेंट है, कहने का मतलब है कि रूरल सेटलमेंट्स जो हैं, जो गांव और दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ पे COVID-19 का जो स्प्रेड है वो कम है, थोड़ा सा कम है। सबसे ज़्यादा वल्नरेबल अर्बन स्लम्स है और अर्बन सेटलमेंट्स है, ये डेटा आप याद कर लीजिए अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो, ठीक है। इसके बारे में इसको छोड़ दीजिए, ये गलत आपके पास लाइन है, इसमें कोई जानकारी नहीं है, जानने योग्य। कोरोना के बारे में जनरल नॉलेज में एक बात बता दूं कि इंडिया ने यूनाइटेड किंगडम को भी ओवरटेक कर लिया है। अब हमारे पास 4th highest इंसिडेंस ऑफ COVID-19 है, बढ़ते ही जा रहे हैं, 4th highest, मतलब टोटल 300,000 के करीब हो गए हैं, जिसमें से एक्टिव 1.5 है। 300,000 के केस हैं, 1.5 लाख सही हो चुके हैं, 1.5 लाख मोटा मोटी एग्जैक्ट वर्ड एग्जैक्ट तो कल आप देखेंगे तो बदल जाएगा। तो 300,000 में से 50% सही हो चुके हैं, 50% इस समय एक्टिव केसेस है, ठीक है। तो ये बढ़ रहा है, चौथे नंबर पे है, इस बार ऐसा लग रहा है कि तीसरे पे भी पहुंच जाएंगे, दूसरे पे भी पहुंच जाएंगे। US को शायद इस समय पकड़ना बहुत मुश्किल है, वो US में तो शायद 3.5 मिलियन से 3 मिलियन से भी ऊपर केसेस हो चुके हैं, तो हो सकता है उससे उनको हम अभी ना पकड़ पाए। एनवायरमेंटल इंडेक्स के टॉप पे, अरे ये लिख के बता रखा है भाई, इसको थोड़ा स्क्रीन पे देखो, डेनमार्क सबसे फर्स्ट है, इसमें क्या बड़ी बात है, लग्जमबर्ग और स्विट्जरलैंड ये देश हैं जो तो कि बिल्कुल एब्सोल्युटली डेवलप्ड कंट्रीज में आते हैं। डेनमार्क तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का पार्ट है, तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ऐसे जो इंडेक्स होते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एनवायरमेंटल इंडेक्स, इस पे हमेशा से ही काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते आए हैं। डेनमार्क वॉज रैंक्ड फर्स्ट इन दिस इंडेक्स, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स पे। ICMR के बारे में बात हो गई, चलिए अब बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। जिसने कल की क्लास की थी, कल एक हमने रैंकिंग डिस्कस की थी, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ठीक है, जो कि वर्ल्ड की रैंकिंग देता है। उसमें हमने बताया था कि जो भारत की टॉप 200 में भारत के सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज थी, जिसमें सबसे ऊपर IIT मुंबई थी, ये हम कल कर रहे थे, IISc था उसके बाद और IIT दिल्ली था। सो टॉप 200 में सिर्फ 3 हमारे इंस्टीट्यूशंस थे, 3 हमारी जो बड़े वाले कॉलेज थे, सबसे पहले IIT मुंबई, उसके बाद IISc और उसके बाद IIT दिल्ली, टॉप 200 में। अब हम उसी प्रकार से रैंकिंग एक फ्रेमवर्क है जो कि भारत खुद भी यूज़ करता है, 2016 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था। 2016 के बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जिसको कहा जाता है, वो एक हम नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क निकालती है, वो अपनी पूरे देश की यूनिवर्सिटीज़ को वो करती है। इसमें IIT मद्रास हायर एजुकेशन में कंट्री का सबसे बेस्ट क्या कहते हैं टेक्नोलॉजिकल कॉलेज है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु दूसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पे है IIT दिल्ली, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, आप देखिए कि वर्ल्ड रैंकिंग में IIT दिल्ली टॉप 200 में आती है, लेकिन यहां पे तीसरे नंबर पे आ रही है, और IIT मद्रास और IISc रैंकिंग में थे, बट वो टॉप 1000 में थे, लेकिन टॉप 200 में नहीं था, ठीक है। अंडर द यूनिवर्सिटी कैटेगरी कई सारी कैटेगरी होती हैं, सिर्फ यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में देखें तो IISc सबसे ऊपर था, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉप 10 से यूनिवर्सिटीज के उससे तो हट गया था, बट जब बेस्ट कॉलेजेस की रैंक लगाई गई तो सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं मिरांडा हाउस को फर्स्ट रैंक मिली है, लेडी श्रीराम कॉलेज को और हिंदू कॉलेज को टॉप 3 रैंक्स मिल गई है। मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी एज ए होल तो टॉप 10 यूनिवर्सिटी में नहीं आती है, बट जब कॉलेजों की रैंकिंग लगाते हैं तो सबसे ऊपर उनके दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही 3 कॉलेज हैं, मिरांडा हाउस और लेडी श्रीराम कॉलेज और हिंदू कॉलेज, 3 कॉलेज है, ठीक है। इसके बारे में बात करिए, ये देखिए इंस्टीट्यूशंस में IIT मद्रास
सबसे ऊपर नंबर वन रैंकिंग पे है। आप कोई ना कोई इस बात पे सवाल तो कोई तो कंफ्यूजन हो रखा होगा आपको कि भाई आईआईटी मद्रास इंडिया की रैंकिंग में नंबर वन पे है और टॉप 200 में जो वर्ल्ड रैंकिंग होती है उसमें टॉप 200 में भी नहीं आ पाती है, ऐसा क्यों मुद्दा? ये आपको सवाल तो पूछना जरूरी है। आईआईटी बॉम्बे यहाँ पे आईआईटी दिल्ली से नीचे है लेकिन वर्ल्ड रैंकिंग में लगाते हैं तो वर्ल्ड रैंकिंग में उससे ऊपर है। भाई इसमें सिंपल वाली बात है कि जो जो पैरामीटर्स यूज किए गए होंगे वर्ल्ड रैंकिंग में, भारतीय जो रेटिंग की गई है वो किसी और तरीके से की गई होगी, उसमें जो पैरामीटर्स है वो अलग अलग होंगे। कल हमने पढ़ा था कि उन्होंने 6 पैरामीटर्स का प्रयोग करते हैं जिसके अंदर इंटरनेशनल फैकल्टी और इंटरनेशनल स्टूडेंट जो रेशियो होता है वो दोनों के अंदर भारतीय यूनिवर्सिटी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है। लेकिन अब जब हम भारत में ही रैंकिंग दे रहे हैं तो हमें इंटरनेशनल फैकल्टी, इंटरनेशनल एक्सपोजर की बेसिकली क्या नाम है उसको रैंकिंग को करने की जरूरत नहीं पड़ता है। यहाँ पे जो पैरामीटर है टीचिंग एंड लर्निंग, स्टूडेंट एंड फैकल्टी स्ट्रेंथ, रिसर्च पेपर, पेटेंट्स, कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सा इंस्टीट्यूशन कितने पेटेंट्स निकाल रहा है और ग्रेजुएशन आउटकम्स, इनके बेसिस पे रैंकिंग की जाती है। देर इज अ यूनिक प्रोविजन टू जज इंस्टीट्यूशन ऑन इंक्लूसिविटी एंड आउटरीच मेजर्स इंक्लूडिंग जेंडर, जियोग्राफिकल एंड सोशो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी एंड द वेलकमिंग ऑफ डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स। तो ये पैरामीटर्स हैं जो कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने इस रेटिंग के लिए तैयार किए हैं। इस रेटिंग फ्रेमवर्क, ये जो रैंकिंग फ्रेमवर्क है, इन पैरामीटर्स में आईआईटी मद्रास नंबर वन पर है। द 3 टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज वर आईआईएससी, जेएनयू एंड बीएचयू और टॉप 3 कॉलेज मैंने आपको पहले ही बता दिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के तीनों टॉप कॉलेज थे। फर्क क्या है? वर्ल्ड वाली जो होती है उसमें वो जो 6 पैरामीटर्स थे उसमें इंटरनेशनल भी अलाउड होता है लेकिन हम इंटरनेशनल पैरामीटर्स पे अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। ये समस्या की बात है, गलत बात है। शशिकांत चौहान, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप आज न्यूज में है सर, बता दीजिए कौन सी, किस चीज की स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप? भाई किसी से संबंधित है ये तो बताइए, किस चीज से संबंधित है? चलिए एक और बात करते हैं भारतमाला परियोजना के बारे में। भारतमाला परियोजना का संदर्भ ये आया है कि यह जो योजना थी यह परियोजना 2021-22 में खत्म हो रही थी लेकिन अब इसका जो शेड्यूल टाइम था उसको बढ़ाकर 2025-26 कर दिया गया है, यानी कि 5 साल का एक्सटेंशन मिल गया इस प्रोजेक्ट को। समझे? सिंपल बात है कि भारतमाला परियोजना एक परियोजना है, उसके ऊपर आते हैं हम अभी डिस्कस करेंगे। वो 2021 से 2022 तक का जो साल था उसमें पूरी हो जानी चाहिए थी बट नहीं हो पाने के कारण उसको एक एक्सटेंशन दे दिया गया है। अब उसकी जो डेडलाइन है वो 2025-26 है। भारतमाला परियोजना के बारे में बताता हूं कि सड़क निर्माण की भारत की सबसे बड़ी परियोजना है भारतमाला परियोजना सड़क निर्माण के लिए। साथ में इसमें स्पेशल इंपॉर्टेंस दी जाती है जो दूर दराज के क्षेत्र हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर उनको किस प्रकार से, शहरी क्षेत्रों में जो बड़ी बड़ी रोड्स हैं उनको किस प्रकार से जोड़ा जाए। अब इसके बारे में एक बार छोटी सी डेफिनेशन याद रखिए कि भारतमाला परियोजना भारत सरकार और केंद्र प्रायोजित, मतलब कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, पूरा का पूरा सेंटर इसका पैसा देती है भारतमाला परियोजना का, ठीक है, हाईवे ऑफ रोड एंड हाईवे प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। टोटल इन्वेस्टमेंट क्या कहते हैं, 83,677 किलोमीटर्स की रोड बनाई जाएंगी या अपग्रेड की जाएंगी इस प्रोजेक्ट के तहत। टोटल 5.35 लाख की इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है। इट इज़ द सिंगल लार्जेस्ट आउटले फॉर अ गवर्नमेंट रोड कंस्ट्रक्शन स्कीम। सरकारी सड़क निर्माण योजना का सबसे बड़ा परिव्यय है यह, मतलब इट्स अ मेजर प्रोजेक्ट इफ यू कैन थिंक अबाउट इट, जिसके अंदर 84,000 किलोमीटर्स, एग्जैक्ट नंबर याद करने की जरूरत नहीं, 84,000 किलोमीटर्स की रोड को नई बनाया जाएगा या जो पुराने वाली हैं उन्हें अपग्रेड किया जाएगा टोटल, ठीक है। और स्पेशल एम्फेसिस दिया जाता है प्रोवाइडिंग कनेक्टिविटी टू फार फ्लंग बॉर्डर एंड रूरल एरियाज इंक्लूडिंग द ट्राइबल एंड द बैकवर्ड एरियाज, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं भारतमाला परियोजना के बारे में कि भारतमाला क्या है, ये समझना एक बार आपके लिए थोड़ा सा जरूरी है। देखिए नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत, पहले इसको, इस वाले को आप इस मैप को देखिए, पहले सबसे पहले ये नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था, ठीक है। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत ये जो रोड्स हैं इनके बारे में मैं बताता हूँ। देखिए ये जो श्रीनगर से शुरू होती है और यहाँ पे कन्याकुमारी पे ग्रीन कलर की जो रोड है ये है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, एक सिंगल रोड जो कि यहां से शुरू होकर बिल्कुल नीचे तक चली जाती है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। अब ये जो ब्लू वाली है ये यहाँ पे गुजरात से यहाँ पे शुरू होकर ये सिलचार पे ख़त्म हो रही है, ये है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। और उसके बाद एक गोल्डन क्वाड्रिलेटर उस प्रोजेक्ट को कहा जाता है जो कि दिल्ली से मुंबई जाता है, मुंबई से चेन्नई जा रहा है, चेन्नई से कोलकाता जाता है और कोलकाता से
वापस दिल्ली आ जाता है। इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, क्योंकि चार इसमें रोड, चार प्रोजेक्ट थे, क्वाड्रिलेटरल बना देता है, दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू चेन्नई, चेन्नई टू कोलकाता एंड कोलकाता टू दिल्ली। ठीक है, ये पहले नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट थे, इसके तहत इन प्रोजेक्ट्स को बनाया जा रहा था। इसको सब्ज्यूम कर लिया गया है भारतमाला परियोजना के तहत। अब देखिए, ये भारतमाला परियोजना के पास कई सारी इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, जैसे डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जाता है, वो 9000 किलोमीटर का, इंटर कॉरिडोर एंड फीडर रोड्स 6000 किलोमीटर के, इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ नेशनल कॉरिडोर 5000 किलोमीटर, जो मैंने बताया कि जो कितने किलोमीटर की, अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट इसके अंदर दिए हुए हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के जो प्रोजेक्ट इसके अंदर दिए हुए हैं वो भारतमाला प्रोजेक्ट में आते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट वाला ये है। अब ये बात करते हैं कि इट इज़ दी बोथ एनेबलर एंड बेनिफिशियरी ऑफ अदर गवर्नमेंट स्कीम्स सच एज सागरमाला, डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उड़ान, एक सेकेंड, हाँ जी बिल्कुल, बात करते हैं हम कहाँ पे थे, हम थे बेसिकली भारतमाला प्रोजेक्ट, भारतमाला जो स्कीम है, भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना इतनी बड़ी परियोजना है कि ये कुछ हमारी दूसरी स्कीम्स की एनेबलर भी है और बेनिफिशियरी भी है। इसके अंदर सागरमाला प्रोजेक्ट को भी इंक्लूड किया जाता है, जो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स उनको भी इंक्लूड किया जाता है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, उड़ान जो स्कीम है, भारत नेट डिजिटल इंडिया एंड मेक इन इंडिया, ये सारी की सारी जो स्कीम्स हैं, ये भारतमाला स्कीम्स, कुछ इसमें फ़ायदा होता है, कुछ इसमें इंक्लूडेड होता है। इसमें आप सागरमाला समझ लीजिए, देखिए, या पोर्ट की सारी रोड्स हैं, अगर इस प्रकार से देखा जाए, एग्जैक्ट इस मैप में नहीं है, किसी दूसरे मैप में मैं आपको दिखाऊंगा कल, इसको कहते हैं सागरमाला। सागरमाला में कॉन्सेप्ट क्या है कि जो पोर्ट है ना, भारत के जितने भी पोर्ट है चारों तरफ, ईस्ट वेस्ट कोस्ट पे, ईस्ट कोस्ट पे और वेस्ट कोस्ट पे, उनको जोड़ा जाएगा रोड के द्वारा और पानी वाटरवेज के द्वारा। ठीक है, वो है सागरमाला प्रोजेक्ट। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स अर्थात ये जो स्पेसिफिकली जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटर है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, जहाँ पे फ्रेट, जो बेसिकली सामान है, जो कार्गो है, उनको ले जाने के लिए फोकस किया जाता है। भारत ने डिजिटल इंडिया, ये आप जानते हैं, नाम से भी पहचान सकते हैं। इसके लिए पैसा कहाँ पे आता है? सेंट्रल रोड फंड एक फंड होती है जो कि क्रिएट की गई थी 2000 में। उसमें पेट्रोल और डीजल पे एक सेस लगता है। आप पेट्रोल और जो डीजल देते हैं वो एग्जैक्टली 75 रुपये का नहीं होता है, उसमें बहुत सारे टैक्सेस लगे होते हैं, तो उस पर एक सेस होता है पेट्रोल और डीजल पे, जो कि पैसा उस फंड के अंदर जाता है। नॉन लैप्सेबल फंड है, सारा का सारा पेट्रोल डीजल से जो भी पैसा जाता है उसके अंदर जाता है। ये पैसा नेशनल हाईवे, स्टेट रोड्स, रूरल रोड्स, रेलवे, अंडर ओवर ब्रिजेस एक्सेट्रा, इन वाटरवेज को डेवलप करने के लिए खर्च किया जाता है। यानी आप ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में, थोड़ा थोड़ा करके सेस के द्वारा। ये भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में मैंने बता दिया। भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं ना कहीं से पढ़ लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है उस पर, क्योंकि भारत का बहुत ज़्यादा जोर है, अगर देखा जाए तो ये है। देखिए, अगर इस मैप को समझने में तो मुश्किल होगी क्योंकि इसके अंदर बहुत डिटेलिंग में कुछ दिखाई नहीं दे सकता है, परंतु बस समझ जाइए कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ये। जितने भी ये जो ऐसा लग रहा है कि भारत के ऊपर नसें जो हैं, नस एकदम जैसे होती है ना, हरे रंग की, लाल रंग की, जो सारी की सारी ब्लू रंग की, उस तरीके से दिखाई दे रही हैं। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट 84,000 किलोमीटर तक के ये प्रोजेक्ट हैं जो कि भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं। भारतमाला परियोजना वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट, क्या नाम है, परियोजना यह है। 2021 तक ख़त्म होने वाली थी, उसको बढ़ा के अब 2025-26 का समय दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसके अंदर GQ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, इंटर कॉरिडोर रूट्स, बॉर्डर रोड्स, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड्स, कोस्टल रोड्स, पोर्ट कनेक्टिविटी रोड्स, एक्सप्रेसवेज एंड नेशनल हाईवेज, ये सब के सब इस प्रोजेक्ट के तहत कहीं ना कहीं पे इंक्लूड हैं। कई जगहों पे नेशनल हाईवे को डेवलप करा रहे हैं, कई जगहों पे नया नेशनल हाईवे बनाए दे रहे हैं। बॉर्डर रोड्स जो होती हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड है। बहुत मेजर प्रोजेक्ट है, समझने की ज़रूरत है ज़रूर। ठीक है, चलिए, तो करंट अफेयर्स तो आज के यही हैं। मैं एक बार आपको ये जरूर याद दिला देता हूँ कि आप अनअकैडमी ऐप बिल्कुल डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जिसको शुरू में कई बार मैं बताता हूँ, कुछ लोग लेट आते हैं, जैसे दीपशिखा आज लेट आई थी, तो आप उसको उसने नहीं सुना, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ कि UPSC अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करना आपको आता है, मैं कैसे जानता हूँ, मैं आप जानता हूँ, आप सबके फ़ोन पर टिकटॉक है,
अब वो टिकटॉक इंस्टॉल तो करना किया था, वो टिकटॉक टाइप करा था जैसे ऐप स्टोर में टिकटॉक डाउनलोड किया इंस्टॉल कर लिया, एग्जैक्टली वैसे ही अनअकैडमी टाइप करना है और इंस्टॉल कर लेना है। अनअकैडमी इंस्टॉल करने के बाद ये और सिंपल वैट था, यहाँ पे प्लस जो सबसे प्लस का जो आपके पास ये आइकॉन है इस पर क्लिक करेंगे आपके पास गोल आ जाएगा, आप कौन सा गोल चूज करते हैं और उसके बाद आपके पास सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आ जाता है, आप उसकी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये भी मैं जानता हूँ आप इसके बारे में पूरी अच्छी तरह से जानते हैं, मेरे बताने से पहले नेटफ्लिक्स की किसी ने ली है या अमेजोन प्राइम की किसी ने ली है, और शायद जिसने नहीं लिया वो अपने दोस्त का पासवर्ड यूज कर रहा है, तो जो जो दोस्त का पासवर्ड यूज कर रहे हैं वो जानते हैं गेट सब्सक्रिप्शन ली जा सकती है खुद की भी, अनअकैडमी में नहीं कर सकते ना, अनअकैडमी में तो आपको पढ़ना है, आपको खुद की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। ये मैंने आपको शायद जानकारी पहले भी दी है कि 44,000 रुपये में 12 महीने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन मिलती है अनअकैडमी में, जिसमें आपको सारे एजुकेटर्स पे एक्सेस मिलता है, लाइव क्लासेस मिलती हैं, टेस्ट सीरीज मिलती है, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं, मेंटर से पर्सनल मेंटरशिप मिलती है, टीचर्स से एजुकेटर से सबसे कनेक्ट करने का मौका मिलता है, एंड ऑल ऑफ द क्लासेस, ऐसा नहीं है एक क्लास, ऑल ऑफ द क्लासेस। और ये मेरा कोड है जो रेफरल कोड है, आप इस रेफरल कोड को यूज़ कीजिए मेरी तरफ से और 10% डिस्काउंट ले लीजिए, AVK10, ठीक है, यूज इट और उससे आपको डिस्काउंट मिलेगा। जैसे ही आप वहाँ पे सब्सक्रिप्शन के लिए भरेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा रेफरल कोड भरने का, ये भी आपको मालूम है, आप शायद कभी जोमेटो पे भरते होंगे, कभी ऊबर पे आपने यूज़ किया होगा, कहीं ना कहीं पे कुछ भी डिस्काउंट तो लेना ही पड़ता है ना दोस्तों के रेफरल कोड से। तो अपना दोस्त समझिए, अपना मेंटर समझिए, अपना शिक्षक समझिए, उसके तहत ये मेरा कोड है AVK10, आप इसको यूज़ कीजिए, अप्लाई कीजिए इसे सब्सक्रिप्शन से, 44,000 में से 4,400 रुपये कट के अचानक से आपके पास सिर्फ 39,600 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, विच इज काइंड ऑफ अ स्टील अगर देखा जाए तो। साथ में सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी UPSC हिंदी चैनल को, उससे ही हमारा साहस बढ़ता है, जितने ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होते हैं स्टूडेंट्स हमें बताते हैं कि हमारा कि और किस प्रकार से और क्या क्या उसके अंदर मदद की जा सकती है। लाइक और शेयर करना बहुत ज़रूरी है, लाइकिंग इज शेयरिंग, केयरिंग इज शेयरिंग, कैसे बोलते हैं ना कि केयर इज शेयरिंग इज केयरिंग, केयरिंग इज शेयरिंग और शेयरिंग इज केयरिंग, तो मेरे ख्याल से सही शब्द है कि शेयरिंग इज केयरिंग। हाँ, तो लाइक कीजिए वीडियोस को, वो तो बहुत ही आसान बात है, परंतु शेयर करना जो एक एक्स्ट्रा स्टेप होता है वो कोई नहीं करता है, बिना शेयर के क्या फायदा भाई, खाली लाइक करने, अगर तुमने लाइक किया है तो शेयर भी तो करो, शेयर भी करो। तो ये करंट अफेयर्स की क्लास हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है आज, और जैसा कि अगर जो बच्चे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, शाम को 6 बजे NCERT की कक्षा है भाई, करंट अफेयर के साथ स्टैटिक भी तो कंप्लीट करना है ना हमको, तो स्टैटिक कंप्लीट करने के लिए शाम को 6 बजे NCERT की क्लास है, हम सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का पार्ट 3 कर रहे हैं, डेफिनेटली आइएगा, क्योंकि उसके बाद ये NCERT में थोड़ा, क्योंकि 8वीं कक्षा के NCERT तो इसमें डिटेल ज़्यादा है, इसके अंदर तथ्य ज़्यादा है, कल बल्कि ये भी बताएं, कल जिसने वीडियो देखा था वो जानते ही हैं कि इस प्रकार से 8वीं कक्षा में मेंस के क्वेश्चन आ चुके थे, वो मैंने जो डिस्कस किए थे कल। तो आज फिर दोबारा से शाम को 6 बजे NCERT की क्लास है, लाइव है, मेरे साथ ज्वाइन कीजिएगा, तब तक मैं आपसे वो लेता हूँ, विदा लेता हूँ, बट इस बात पे होप करता हूँ कि अगले 5-6 घंटे सेल्फ स्टडी ही की जाएगी, ठीक है, चलिए, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग अस।